ईव्हीएमचा निर्णय मान्य आहे, मान्य आहे, मान्य आहे। जनता ने भरपूर भरपूर दिया है, आज लोगों ने तय कर लिया है कौन है, मैंडेट दिया है लोगों ने। झारखंड में ईवीएम अच्छा है क्या? जीतने के बाद बोलते ईवीएम अच्छा है, इलेक्शन कमिश्नर अच्छा है, वो लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक तो उनको सलाह मशवरा देते हैं उनको। हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे। बीजेपी और शिवसेना आप दोनों को लेकर ये आरोप लग रहे थे बार बार, आप दोनों के लिए साथ की लड़ाई थी शिवांगी ठाकुर फिल्म जी न्यूज, एकता जी और अजीत पवार जी की नकली है। क्या आपको लगता है आज के बाद ये आरोप अब जनता ने जवाब दे दिया है, आपकी ओर से क्या जवाब दिया जाएगा, क्योंकि असली और नकली का फैसला जनता ने दिखाया ना अभी आपने पहले ही बोल दिया ना। नहीं, आपकी ओर से जाना चाहते हैं, नहीं देखिए जनता ने आज बता दिया है, असली नकली में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन बाबा साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजप की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना, आज लोगों ने तय कर लिया है कौन है, मैंडेट दिया है लोगों ने। आज अभी तो मुझे लगता है वो तो अभी उनको तो हम कैसे रोकेंगे, वो तो और कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन जनता की अदालत में जाने के बाद उनको भी दिखाया है और हमें भी दिखाया है। ईवीएम का देखो अभी झारखंड में ईवीएम अच्छा है क्या? झारखंड में कर्नाटक में ईवीएम अच्छा था जब ही अभी वो लोग पहले जब जीतने के बाद बोलते ईवीएम अच्छा है, इलेक्शन कमिश्नर अच्छा है, वो लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक तो उनको सलाह मशवरा देते हैं उनको, वो जो यंत्रणा उनके बाजू से मतलब उनके फेवर में रिजल्ट आते अच्छी है। अभी तो वोटर लिस्ट पे भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था, तो जब हार जाते हैं तो बोलते ये यंत्रणा खराब है, जीतते तो बोलते अच्छा है, ऐसा कैसा है? तो ये तो देखिए यही तो मैं बता रहा हूँ कि जनता ने पूरी तरह, मैंने पहले भी कहा था कि पूरी तरह थंपिंग मेजोरिटी मिलेगी, ये पूरा लैंडस्लाइड विक्ट्री है ये पूरी तरह। अभी ये जनता ने भरपूर भरपूर दिया है, अभी उनको उनकी जगह दिखाइए। अरे भैया अभी हम लोग अभी तो आंकड़े भी आने के अभी चालू है ना, काउंटिंग चालू है, अभी होने के बाद हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी। जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है, हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठ कर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। बच्चे हैं नई सरकार को लेकर के, तो क्या कब तक दावा पेश करेंगे गवर्नर के पास? अरे हमें करो ना, कब तक दावा पेश करेंगे गवर्नर के पास, क्योंकि अब 26 तारीख जो है वो डेट पिछली बार हुआ था, 5 साल पूरा होगा, समय पे सब बराबर होगा। पहले तो तीनों पार्टियां अपना अपना नेता चुनती है, अभी रिजल्ट ही आने का है, रिजल्ट आने के बाद सारे एमएलए को बुलाना पड़ता है, अपने अपने पार्टी का नेता चुनते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तीनों पार्टियां साथ में बैठकर और अठावले जी का भी मशवरा हम लेंगे और इसका निर्णय करेंगे। तो ये जनता ने तय किया है ना, जनता ने इतना भरोसा दिखाया है, अभी हमें जिम्मेदारी बढ़ गई है। हाँ तो फिर वही तो पब्लिक जनता ने दिखा दिया है, जनता ने पूरा विश्वास दिखाया, तो हम पूरे विश्वास के साथ अभी काम करेंगे। सीएम साहब तीन होटल महाविकास अघाड़ी ने बेच दिए थे, हमने एक भी मीटिंग नहीं करी थी, हम लोग शांत बैठे थे, हमने मीटिंग भी नहीं करी थी और होटल भी बुक नहीं किया था, क्योंकि हमें मालूम था थंपिंग मेजोरिटी मिलने वाली है, किसी उनके आवश्यकता पड़े तो उनके होटल हम मांग लेंगे, उनकी बुकिंग हम ले लेंगे।
झाला आहे नाही बरेचसे झालेत ना काँग्रेसचे मोठे बाळासाहेब थोरात आणि काय काय पृथ्वीराज चव्हाण बहुत बहुत से लोगों का हुआ है संजय राउत गडबड आहे अरे भैया आता दोन प्रश्न मराठीत घेऊ आपण महाराष्ट्रात बसलो आहे मग संपतो दोन प्रश्न मराठीत मराठी मराठी अरे जाने दो ना एक ही सवाल है क्या आपका सवाल खत्म हुआ सवाल खत्म असं म्हणतात की बॅलेट पेपर वर निवडणुका घ्या ईव्हीएम चा निर्णय माहित नाही 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 पुन्हा एकदा तुम्हाला विचारतो संजय राऊत कोण ईव्हीएम चा निर्णय मान्य आहे मान्य आहे मान्य आहे।